हम खबर आपको देंगे। हमजा शहबाज को गिरफ्तारी से कबल आगाह करने के लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ नैब की दरख्वास्त पर समाअत, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म कलअदम करार दे दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे, शहजाद अली साथ हैं। शहजाद, क्या कहा गया है? जी मारूफ, बिल्कुल, हमजा शहबाज को गिरफ्तारी से कबल आगाह करने के हवाले से नैब ने जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, इस पर जो है वो अदालत ने नैब केस में गिरफ्तारी से कबल आगाह करने का लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म था उसको कलअदम करार दे दिया। गिरफ्तारी से कबल मुल्जिम को आगाह करने की कानून में कोई शर्त नहीं, ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा गिरफ्तारी से कबल आगाह करने का लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म जो है कानून की खिलाफ वर्जी है। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से 10 दिन कबल आगाह करने का हुक्म अदालती नजीर के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वादे कर दिया है कि इस हुक्म को अदालती नजीर के तौर पर आइंदा के केसेज में ना कोट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म गैर मौसर होने की बुनियाद पर जो है वो इस केस को निपटा दिया है। इसके हम केस की समाअत जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की और लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म था उसको जो है वो कलअदम करार दे दिया गया है। जी ठीक है, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आपको ये बता दें कि हमजा शहबाज को गिरफ्तारी से कबल आगाह करने के लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ नैब की दरख्वास्त पर समाअत, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म कलअदम करार दे दिया है। शहजाद अली हमें बता रहे थे और डिटेल्स की ये हैं कि गिरफ्तारी से कबल आगाह करने के कानून में कोई शर्त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है, जबकि गिरफ्तारी से कबल आगाह करने का हुक्म खिलाफ कानून है।